अगर आपको यह मुकाबला अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। आईपीएल में सभी टीमें एक दूसरे के साथ जूझती हुई नजर आती हैं। वही आईपीएल 2022 का मुकाबला चेन्नई और पंजाब के बीच खेला गया था। आज आपको पूरे मैच की हाईलाइट के बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले बताइए कि रविंद्र जडेजा और क्रिस जॉर्डन में से बेहतरीन गेंदबाज कौन है। अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो वही कल का मैच चेन्नई और पंजाब के बीच बेरोबेन स्टेडियम में खेला गया था। चेन्नई के कैप्टन रविंद्र जडेजा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। पंजाब की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए कैप्टन मयंक अग्रवाल और नॉन स्ट्राइक पर शिखर धवन। तो वही चेन्नई की ओर से पहले गेंदबाजी करने के लिए आए मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी ने बड़ी चतुराई से पहले ओवर में 8 रन दिए और मयंक अग्रवाल का बड़ा विकेट झटका। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए राजपक्सा। राजपक्सा ने क्रिस जॉर्डन के आईपीएल 2022 का स्वागत फाइनल लेग की दिशा में छक्का लगाकर किया। जॉर्डन के ओवर की दूसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों में तालमेल की कमी दिखी और खामियाजा राजपक्सा रन आउट हो गए। उसके बाद पंजाब की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए लियाम लिविंगस्टोन आए। लियाम लिविंगस्टोन ने मुकेश चौधरी को लगाया शानदार छक्का। मुकेश चौधरी के पांचवें ओवर से लिविंगस्टोन ने बटोरे 26 रन। 6 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 72 पर 6। अगले ओवर की पांचवी गेंद पर माइती राडू ने लियाम लिविंगस्टोन का कैच छोटा। सीएसके को यह पड़ सकती है गलती भारी। 21 गेंदों पर 26 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रही शिखर धवन। अगले ओवर में तीसरी गेंद पर लिविंगस्टोन ने छक्का लगाकर पहला 50 पूरा किया। आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार कैच पकड़कर शिखर धवन को आउट किया। उसके बाद पंजाब की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए आए शाहरुख खान। अगले ओवर में लिविंगस्टोन शानदार पारी हुई समाप्त। जडेजा ने लिविंगस्टोन को अंबाइती राइडू का 2 कैच आउट किया। उसके बाद मैदान पर जितेश शर्मा आए। जितेश शर्मा 17 गेंदों पर 26 रन बनाकर अच्छी पारी खेल ही रहे थे कि स्कॉट शूट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। पंजाब ने अपना 6ठा विकेट शाहरुख के रूप में खोया। 18वीं पहली गेंद पर ओडियन स्मिथ को आउट कर क्रिस जॉर्डन ने सीएसके को दिलाई 7 विकेट। उसके बाद पंजाब की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए राहुल चार। राहुल चार ने 19वें ओवर में प्रिटोरियम की चौथी गेंद पर 89 मीटर का लंबा छक्का जड़ा था, मगर आखिरी गेंद पर उन्हें आउट कर गेंदबाज ने बदला। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब 200 का आंकड़ा पार कर लेगा, परंतु लिविंगस्टोन और शिखर धवन के बाद पंजाब की पारी लड़खड़ा गई। पंजाब ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 180।